हेलो एवरीवन, आज अपना सेकंड लेक्चर ऑफ मोशन है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है कि कोई अगर एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूव कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट, एक ये मान लिया हमने, सपोज अगर ए पॉइंट से लेकर के अगर बी पॉइंट तक मूव कर रहा है, तो उसमें इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है। ठीक, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें बताता है कि जिस पाथ पे जो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, जिस भी पाथ से, क्योंकि एक पॉइंट से हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकता है कि वो पर्टिकुलर वो ऑब्जेक्ट जो हो डायरेक्टली सीधे सीधे चला जाए, ये डायरेक्टली ए से इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाए, हो सकता है कि कभी कभी वो क्या हो इधर से घूम कर गया, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके का पाथ पॉसिबल है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें ये बताता है कि जिस पाथ पे भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, वो उस पाथ की लेंथ क्या होती है। जैसे मान लो अगर ए से लेकर के कहां तक मूव किया कोई पर्टिकुलर पॉइंट, या पार्टिकल बी तक अगर मूव किया, तो जिस पाथ पे, अगर सपोज किसी ने पाथ वन, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये फर्स्ट पाथ है, ठीक है, पाथ वन, तो अगर इस पाथ पे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसकी जो लेंथ होगी वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, जिस भी पाथ पे अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हो सकता है कि पार्टिकल क्या हो कि अगर सपोज ये सेकंड पाथ, इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड पाथ, पाथ टू, और इसको हम लोग मान लेते हैं कौन सा, पाथ थ्री। ठीक है, तो सेकंड पाथ पे अगर ये अगर इस पे अगर मूव कर रहा है, और इस पे मूव करते हुए ए से बी तक पहुंच रहा है, तो ये जो इस पाथ की जो लेंथ होगी वो हमारा क्या होगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कभी ऐसा हो जाए कि वो पार्टिकल जो हो या वो ऑब्जेक्ट जो हो, ये ना पाथ वन पे जाए ना पाथ टू पे जाए, वो सपोज अगर पाथ थ्री पे होते हुए, इस पाथ पे होते हुए ए से बी तक मूव कर रहा है, तो ये इसकी लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, जो इसकी जो भी लेंथ होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब हुआ कि जिस भी पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी लेंथ क्या है, एक्चुअल लेंथ क्या है। यानी एक बात देखो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने में हो सकता है कि ऑब्जेक्ट बहुत सारे अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करके आ सकता है। जैसे मान लो अगर सपोज इस पाथ वन पे जाए, तो कुछ अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ कुछ अलग है। ये अगर सपोज सेकंड पाथ पे मूव करते हुए आ रहा है, तो उसकी लेंथ कुछ अलग है। थर्ड पाथ पे मूव करते हुए आ रहा है, तो उसकी लेंथ कुछ अलग है, तो उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, अलग अलग। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने में हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल हमें क्या बताता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ऑन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, ऑन विच बॉडी ट्रेवल्स। Length of the path on which body travels, ठीक है, जिस भी पाथ पे अगर बॉडी ट्रेवल करेगा, उसकी लेंथ को जो लेंथ जो होगी वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल। एक पॉइंट हमने देखा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो हो अलग अलग पाथ से जाए और अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। यानी हम लोग ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड May have any value. कोई भी value possible है कि अगर A से B तक जा रहा है, ठीक है, अगर A से B तक अगर जा रहा है, तो हो सकता है कि पाथ वन पे जाए, पाथ टू पे जाए, या पाथ थ्री पे जाए, जिस भी पाथ पे अगर जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो पाथ की जो लेंथ होगी, उसके अकॉर्डिंगली जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो क्या होगा, अलग अलग। सपोज अगर ये भी पॉसिबल है कि वो यहाँ से पूरा ऐसे घूम करके आ सकता है, तो यहाँ से पूरा घूम करके आए, तो उस समय कुछ अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उस समय जो पाथ लेंथ होगी या उस समय जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो अलग अलग होगा। ठीक, यानी दो फिक्स पॉइंट के बीच ही हो सकता है कि अलग अलग पाथ से जाए, तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा।
ठीक है। अब एक बार देखो ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने बताया था कि जब भी एक नई क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग ये भी देखते जाएंगे कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हमने ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। अगर उसको एक्सप्रेस करना हो तो केवल किसकी जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। तो एक बार देखो जब A से B तक हम लोग इस पाथ 1 पे जा रहे थे या पाथ 2 या पाथ 3 या पाथ 4 पे, तो कभी ये नहीं बोल रहे थे कि यार किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कि यहां से लेफ्ट लिया राइट लिया, कुछ इस तरीके की बात हम लोग कर ही नहीं रहे। हमने सिर्फ ये बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, कि जिस पाथ पे भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी। यानी हम लोग सिर्फ इस पाथ की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड जो लेंथ है उसके बारे में हम लोग कंसर्न। तो ये इसके पास क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा, हम लोग इसमें डायरेक्शन की बात कुछ नहीं कर रहे। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों होगी, क्योंकि इसके पास क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है। अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है तो सिर्फ ये बताओगे कि मैं 100 मीटर चल के आया, मैं 200 मीटर चल के आया, मैं 2 किलोमीटर चल के आया। ये हमें उस समय बताने की जरूरत नहीं होगी कि 2 किलोमीटर या 200 मीटर या 100 मीटर हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में चल के आए या ईस्ट डायरेक्शन में। तो जब भी अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना हो हमें सिर्फ किस चीज की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड बताने की जरूरत होती है। इसीलिए कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। चलिए इसका SI यूनिट देख लेते हैं। SI यूनिट क्या होता है, एक चीज हम लोग ये भी समझ लेते हैं जो कि इंटरनेशनली यूज होता है, ठीक है। इंटरनेशनली जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ था, अलग अलग यूनिट सिस्टम अलग अलग कंट्री में यूज किया जाता था, ठीक है। कि कोई किसी कंट्री में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते थे, किसी कंट्री में लेंथ को फुट में मेजर करते थे। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम बना रखा था। बाद में ये चीज आया कि नहीं, आपको जो भी अगर मेजर करना है तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर मेजर करना है तो आपको एक सेट ऑफ यूनिट्स ही यूज करना है, ठीक है। एक डिफाइंड सेट ऑफ यूनिट यूज करना है, उसको हमने क्या नाम दिया, SI यूनिट। कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ भी अगर पब्लिश करना है या फिर कोई भी मेजरमेंट अगर शो करना है तो आप इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए यही यूनिट यूज करेंगे। तो उसी का एक सेट जो बनाया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SI यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसमें एक तरीके से क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ, एक तरीके से जिस पाथ पे हम लोग मूव कर रहे हैं उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं। तो उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं तो एक लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। इसको शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। इसके बाद एक CGS यूनिट भी हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। CGS यूनिट, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हमें SI यूनिट में डेटा दिया रहेगा, कभी कभी हमें CGS यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया हो रहेगा। CGS यूनिट सिस्टम में इसका जो SI ये जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर। ये इसका सिंबल क्या होता है, CM से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बारे में, कि कभी भी ये मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक बार देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, और अगर दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस ट्रेवल कर ही रहा होगा, कुछ ना कुछ वो पाथ पे मूव कर रहा होगा। तो वो अगर कुछ पाथ पे मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ एक लेंथ होगी। तो इसीलिए डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है या डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जीरो नहीं हो सकता है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। या फिर एक बात देखो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि लेंथ ऑफ द पाथ, हमें पता है लेंथ है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी वो -3 सेंटीमीटर या -10 सेंटीमीटर हो जाए। हमेशा या तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, ठीक है, या फिर अपने पास क्या होगा, नॉन जीरो। और मैं नॉन जीरो वैल्यू एक तरीके से बोल सकते हैं, नॉन जीरो कैसा, पॉजिटिव। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी क्या है कि लेंथ ऑफ द पाथ है, कि जिस पाथ को मूव कर रहा है उसकी लेंथ है। तो ये भी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज ध्यान रखना, हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, तो कैसी वैल्यू होती है इसकी, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अभी हमने डिस्टेंस ट्रेवल देखा, कैसी क्वांटिटी थी वो, स्केलर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अब हम लोग देखते हैं, ठीक है।
कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट की जो बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमें ये बताएगा कि उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कितने का चेंज हुआ। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। जैसे मान लो डिस्टेंस ट्रैवल हमें क्या बताता है कि जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या होती है, कि कितना डिस्टेंस वो चला है, कितना लेंथ कवर किया उसने। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें ये बताएगा कि अगर वो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके पोजीशन में कितने का चेंज आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज एक पार्टिकल अगर पॉइंट ए से शुरू किया उसने और बी तक आ रहा है, ठीक है, तो अगर सपोज ये क्या करे स्ट्रेट लाइन पाथ पे आए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे आए तो उसकी पोजीशन में चेंज क्या होगा। तो जहां से स्टार्ट करता है ऑब्जेक्ट उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, और जहां पे वो फाइनली रुकता है उसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फाइनल पोजीशन। अब एक बात देखो, अगर उसके पोजीशन में चेंज की बात करें तो वो क्या होगा कि इनिशियल पोजीशन ये रहा, फाइनल ये रहा, तो चेंज कितने का, तो यहां से लेके यहां तक। अब वो चाहे ऑब्जेक्ट अगर सपोज यहां से अगर ये पाथ कवर करते हुए आए, इस पाथ पे मूव करते हुए आए, तो अभी सोचो कि अब चेंज इन जो पोजीशन होगा वो यही होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का ये इनिशियल भले इस पाथ पे मूव करते हुए आए लेकिन जो पोजीशन में जो चेंज आया वो इनिशियल से लेके क्या होगा फाइनल की तरफ। अगर सपोज ये देखें कि अगर ये पार्टिकल कुछ इधर से मूव करते हुए आ रहा है तो उस केस में भी जो चेंज इन पोजीशन होगा वो क्या होगा यही होगा। ठीक है, यानी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच ऑलवेज जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी चेंज इन पोजीशन जो होगा वो क्या होगा हमेशा एक ही होगा, वो फिक्स होगा कि हाँ यार ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो आप अगर चाहे कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करके आओ, कितने भी अलग अलग पाथ पे मूव करके आओ, लेकिन हमेशा जो चेंज इन पोजीशन होगा वो क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो ये चेंज इन पोजीशन जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक तरीके से लेंथ ऑफ लाइन ए बी जो होगा, लेंथ ऑफ लाइन ए बी, यही हमारा क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। चाहे आप कौन से पाथ पे मूव करके आओ, एक पाथ मान लो ये पाथ वन मान लेते हैं, ठीक है, ये पाथ टू मान लेते हैं, ये पाथ थ्री मान लो, आप किसी भी पाथ पे मूव करके आओ, आपका जो चेंज इन पोजीशन है वो कौन सा है, ये पाथ वन यानी लेंथ ऑफ ए बी ही है। तो हमारा जो दो पार्टिकुलर पॉइंट के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी चेंज इन पोजीशन होगा वो हमेशा क्या होगा फिक्स होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में पहले लिख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है कि इट गिव्स एन आइडिया अबाउट The change in position about change in position of object, change in position of object, ठीक है, किसी भी object का जो change in position है उसी के बारे में बताता है कि कितना उसके position में change हुआ है। ठीक है, एक और point हमने देखा कि दो particular point के बीच में, ठीक है, हमेशा जो displacement होगा यानी change in position जो होगा वो क्या होगा fix होगा। तो ये भी लिख सकते हैं कि displacement between two fixed point या two points is always fixed। दो पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा फिक्स्ड होगा। it doesn't depend upon path followed by object जो भी path अगर followed होगा उस पर depend नहीं करेगा, path followed by object। चाहे आप किसी भी path पे move करके आओ दो particular point के बीच में जो displacement रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा fix। ठीक है, अब एक बार देखो कि एक तरीके से इसको और बोल सकते हैं कि the shortest distance between two points, जो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहे तो एक तरीके से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमेशा चाहे आप किसी भी पाथ पे मूव करके आओ आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यही पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पाथ ही होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पाथ एक तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एक बार देखते हैं ये कैसी क्वांटिटी। ठीक है, एक ये अगर देखें कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले एक बार देखते हैं
कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा हो गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये भी देख लिया कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, ये अब कैसी क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि इनिशियल ये रहा और फाइनल पोजीशन ये रहा, मतलब मैं बोलूं कि चेंज इन पोजीशन अगर है तो चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, तो अगर मैं बोलता हूं कि ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, मतलब ये क्या शो करेगा कि ए पे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो था वो पहले था और बी पे बाद में, मतलब ये इनिशियल और ये फाइनल। अगर मैं ये बोलू कि चेंजिंग पोजीशन क्या है, बी से ए की तरफ, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो बी से किधर की तरफ मूव किया है, ए की तरफ। मतलब यहाँ जब भी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है तो यहाँ पे ये बताने की जरूरत है कि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ मूव किया या फिर बी से ए की तरफ मूव किया, यानी इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। इसके पास अगर डायरेक्शन है तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों भाई, क्योंकि इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अब एक बात देखो, इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ, क्योंकि अगर किसी भी चीज में चेंज की बात करते हैं तो फाइनल क्या करते हैं, इनिशियल से हमेशा फाइनल की तरफ। तो अगर चेंज इन पोजीशन की बात करेंगे तो वो पहले पार्टिकल यहाँ इनिशियल था, ये फाइनल, तो चेंज किधर की तरफ, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो हम लोग ये बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम, कहां से कहां तक, इनिशियल पोजीशन से, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। हमेशा ध्यान रखना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, एक एरो बस बनाना है, हमेशा जो एरो का डायरेक्शन होना चाहिए वो कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। ठीक है, ये हमें बताएगा कि जो पार्टिकल जो है वो पहले कहां पे प्रेजेंट था और बाद में फाइनली जब मूव करने के बाद जब रुका है तो वो फाइनली कहां पे पहुंचा है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक वाला। ठीक है, कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है जो है इसके बारे में अगर कुछ एग्जांपल अगर हम लोग देखें। ठीक है, सपोज एक पार्टिकल पॉइंट ए से बी तक, ठीक है, यहां से यहां तक ये सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए आया। ठीक है, ये रेडियस कितना हमने ले लिया, ये रेडियस कैपिटल आर ले लिया, इसे भी सर्कुलर पाथ लेते हैं, ये इस पाथ पे मूव करते हुए आया। ठीक है, ए सी बी। तो अब एक बात देखो, यहां पे अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो हमने डिस्टेंस क्या पढ़ा था कि जिस भी पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव करे उसकी लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एक बात देखो, ऑब्जेक्ट जो है वो इसी पाथ पे मूव किया उसने, तो इसकी जो लेंथ होगी वही हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की अगर बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो वो किसके बराबर होगा, तो हमें बताया कि सेमी सर्कल में ये जो लेंथ होता है वो किसके बराबर, तो पाई इंटू आर, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर बात करें हम लोग किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमने क्या देखा था कि जो चेंज इन पोजीशन हुआ, अगर पार्टिकल ए से बी की तरफ मूव किया है तो ये हमारा क्या होगा, इनिशियल पोजीशन, ये क्या होगा, फाइनल पोजीशन। तो ये जो पार्ट होगा यानी यहां से यहां तक एक एरो बनाएंगे, ये ही लेंथ जो होगी वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और इसका डायरेक्शन किधर, ए से बी की तरफ, तो ये लेंथ कितनी, टू आर। और अगर यहाँ पे डायरेक्शन देखे तो क्या होगा, डायरेक्शन की बात करें तो वो कहां से कहां तक, ए टू बी, डायरेक्शन कहां से कहां तक, ए टू बी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट ये पॉइंट पी से क्यू तक कुछ इस तरीके के पाथ पे मूव किया उसने, ऐसे पाथ पे मूव किया उसने, ठीक है, पी क्यू इसको मान लेते हैं, आर इसको एस, ये ऐसे इस पाथ पे मूव किया उसने, इसको मान लेते हैं 3 मीटर, इसको मान लेते हैं 4 मीटर, और इसको मान लेते हैं कितना, 3 मीटर के बराबर। ठीक है, अब एक बार देखो, यहां से अगर देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पहले कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फिर से क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा कि जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव किया तो वो कि उसकी लेंथ को, जो पाथ पे मूव किया वो क्या है, ये वाला पाथ है, तो उसकी लेंथ क्या है, 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 3 मीटर, कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो उसकी जो लेंथ है यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो किसके बराबर है, 10 मीटर। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, तो पहले देखो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो ये पार्टिकल कहां से कहां तक मूव किया,
तो हमें जब भी अगर किसी भी तरह का अगर मान लो पार्टिकल का मूवमेंट दिया रहा है, पार्टिकल का पाथ दिया हुआ रहे, सबसे पहले जब भी अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सबसे पहले देखेंगे कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, बस वही दोनों पॉइंट हमें देखने हैं। तो ये क्या है हमारा इनिशियल और ये क्या है फाइनल, तो बस दोनों को हमें क्या करना है स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना। तो ये इसकी जो लेंथ होगी वही क्या कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, तो ये इसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर, ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां तक, तो इनिशियल से फाइनल, तो यहां पे डायरेक्शन कहां से कहां तक P to Q, क्या हो जाएगा P to Q। तो जब भी अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पाथ दिया हुआ है, उसके मोशन का पाथ दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या करना है इनिशियल पॉइंट देखना है, फाइनल पॉइंट देखना है, दोनों को ज्वाइन कर देना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक पार्टिकल ए से यहां से ये 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, मान लिया पॉइंट ए से बी तक। थोड़ी देर बाद इसको समझ आया कि मुझे लेफ्ट टर्न लेना चाहिए, ये लो भाई उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, कितने का 4 मीटर का, वो इस डायरेक्शन में गया। ये कहां तक पहुंचा, सी पॉइंट तक पहुंच गया, ठीक है। अब अगर इस केस में हमें डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल तो सीधा सीधा दिख रहा है कि कितना होगा, डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें तो जो पाथ लेंथ वो कितनी दूर चला है, तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर मतलब 7 मीटर चला सीधा पाथ लेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल कोई दिक्कत नहीं। जो डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करें, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैंने क्या बताया फिर से कि इनिशियल पॉइंट देखेंगे फाइनल पॉइंट देखेंगे, सिर्फ दोनों को बस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा क्या है इनिशियल और ये हमारा क्या है फाइनल पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर दिया ये लो स्ट्रेट लाइन से, तो यही हमारा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी लेंथ क्या होगी, तो अब एक बार देखो ये दे रखा है इनने कितना 90 डिग्री का एंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा 5 मीटर के बराबर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, तो इनमें रिलेशन क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। तो यहां से हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, डायरेक्शन कहां से कहां तक, तो इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक, मतलब कहां से कहां तक ए टू सी। तो जब भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो सीधा इनिशियल पॉइंट देखो फाइनल पॉइंट देखो दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। डायरेक्शन की बात है कैसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में, ठीक है। थोड़ी और बातें इसमें देखते हैं हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट की बात है उनके बारे में एक एक करके हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते रहेंगे, ठीक है। मान लिया हमने क्या हुआ कि एक पार्टिकल यहां से शुरू किया x इक्वल टू 0, मतलब ये पोजीशन दिया हुआ कि x इक्वल टू 0 1 2 3 4, ठीक है। x इक्वल टू 0 से शुरू किया उसने और x इक्वल टू कहां पे पहुंचा 10 मीटर तक, x इक्वल टू कहां तक 10 मीटर तक, यानी ये इनिशियल है और ये क्या है फाइनल पोजीशन, पार्टिकल यहां से इधर की तरफ हो। तो अगर इसमें देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आएगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया किया उसने 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, तो देखो इनिशियल पोजीशन ये रहा फाइनल, तो सीधा ज्वाइन करेंगे लेंथ भी वही, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट से या इस एग्जांपल से हमें क्या पता चल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, ये हो सकता है कि दोनों कभी कभी दोनों सेम हो जाए, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग दोनों क्या है अलग अलग, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है सेम, तो इस पॉइंट से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते हैं कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखा जाए, ठीक है, सपोज एक पार्टिकल यहां से x इक्वल टू 0 से शुरू किया उसने, x इक्वल टू पहले 20 मीटर तक गया, कहां तक गया x इक्वल टू 20 मीटर तक, उसके बाद वो लौट करके वो यहां से लौट करके यहां तक आया x इक्वल टू कहां पे है वो 15 मीटर तक लौट के आ गया, ठीक है। अब एक बात देखो, ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है सी। अब इसमें अगर डिस्टेंस ट्रेवल देखे, डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें, तो अब एक बात देखो, पहले वो पार्टिकल यहां से शुरू किया, वो कहां तक गया 20 मीटर तक गया, उसके बाद ये डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, ठीक है, क्योंकि एक बार देखो ये 20 और ये कितना 15 है, कितना 5 मीटर वो वापस आया, तो कितना चला वो टोटल, तो 20 + 20 + 5 कितना जाएगा 25 मीटर। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की, किसकी डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखिए तो उस केस में क्या होगा
कि फिर से इनिशियल ये रहा और फाइनल पोजिशन ये रहा, दोनों को ज्वाइन कर लो। दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, तो 15 मीटर यही आएगा, जीरो से कहां तक 15 तक। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 15 मीटर। यहां से देखते हैं हम लोग क्या कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है कम। नेक्स्ट इसके बाद अगर देखते हैं कि मान लो एक्स इक्वल्स टू जीरो से शुरू किया उसने, एक्स इक्वल्स टू 30 मीटर तक गया और फिर से वापस वो इधर की तरफ ही आ गया, फिर से वो वापस यही पे आ गया x इक्वल्स टू यही, ठीक है। यानी एक तरीके से वो जहां से शुरू किया था वो फिर से वापस क्या आ गया, वही तक आया, वो गया 30 मीटर फिर 30 मीटर वापस आया। तो अगर इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो डिस्टेंस कितना, तो 30 मीटर गया और 30 मीटर आया, तो कितना लगा इस, कितना डिस्टेंस चला वो 60 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके बराबर 60 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अब एक बार देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा जीरो, क्योंकि ये यहाँ यही पे क्या है इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो। यानी हो सकता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या कि जीरो भी हो सकता है पॉजिटिव। तो देखिए चूंकि अपन अगर मान लें एक और एग्जांपल देखिए कि सपोज अगर एक्स इक्वल्स टू वो जीरो से मूव करना शुरू किया, वो एक्स इक्वल्स टू 10 मीटर तक गया और वापस लौट के वो एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 मीटर तक चला गया, ठीक है। मतलब जहां से वो शुरू किया था वो यहां से शुरू किया उसने एक्स इक्वल्स टू जीरो से, वो उसके और इधर लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड जा रहा है। इस केस में डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस कितना, 10 मीटर गया 10 मीटर वापस आए कितना 20 और 5 मीटर इधर की तरफ, तो कितना हो गया डिस्टेंस ट्रैवल 25 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो कितना आ जाएगा, तो ये इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये, इसको ज्वाइन करो, डायरेक्शन क्या होगा इनिशियल से फाइनल की तरफ, मतलब किधर माइनस 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा माइनस 5 मीटर। ये माइनस 5 मीटर हमें क्या बताएगा कि जो इनिशियल पोजिशन है उससे किधर की तरफ है, लेफ्ट डायरेक्शन में। मतलब जब भी डिस्प्लेसमेंट अगर आया तो ये पहली बात तो ये पता चले कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन सारे केसेस में अगर हम लोग देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल ना तो कभी जीरो हुआ है और ना ही कभी नेगेटिव हुआ है। तो डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जीरो हो सकता है नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो, तो तीनों वैल्यू पॉसिबल। तो ये तीनों वैल्यू हमें क्या बताते हैं कि जीरो ये बताएगा कि जहां पे इनिशियल पॉइंट है मतलब जहां से पार्टिकल मूव करना शुरू किया वो फाइनली वही आकर के रुक रहा है, पॉजिटिव मतलब उससे राइट डायरेक्शन पे और नेगेटिव मतलब क्या होगा लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हमें क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस साइड पॉजिटिव लेते हैं तो अगर हमारा पॉजिटिव आंसर आ रहा है मतलब ये क्या है कि इनिशियल पोजिशन से ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मूव किया है राइट डायरेक्शन में। हमने पीछे अगर लेफ्ट लिया है सॉरी पीछे अगर नेगेटिव लिया है तो यानी ये क्या बता रहा है, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब पीछे की तरफ मूव किया है, ऑब्जेक्ट कहां से डिस्प्लेस हुआ है नेगेटिव डायरेक्शन मतलब लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। हम लोग एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ठीक है। ये साइन ऑफ जो होगा कि साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये किसके बारे में बताएगा हमें, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, क्या बताएगा हमें डायरेक्शन। यानी साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट शोज इट्स डायरेक्शन, शोज इट्स डायरेक्शन। जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या शो करेगा हमें, डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। एक और बात हम लोग देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट था वो पहले एग्जांपल जो लिया था उसमें डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट दोनों 10 मीटर थे, बाकी सारे एग्जांपल में क्या था वो ज्यादा ही है। तो यानी हमें क्या सो मिल रहा है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट यानी सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से, किससे डिस्प्लेसमेंट से। तो यानी हम लोग एक और चीज ऐसे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे लाए तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू किस वन। कभी कभी ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन वन, तो ये हमें ध्यान रखना है कि डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। बड़ा हुआ तो भी अपने पास ये क्या होगा यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि कभी कभी क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी यही पे देख लेते हैं ताकि अपना क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन क्या लिखने जा रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये काफी कॉमन क्वेश्चन रहता है स्कूल के एग्जाम्स वगैरह में, तो ये भी देख लेते हैं। हमारा पहला ये कॉलम में हम लोग क्या लिख लेते हैं कि डिस्टेंस के बारे में, और दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में, दूसरे कॉलम में हम लोग लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। द लेंथ ऑफ द पाथ, इट इज द लेंथ ऑफ, एक तरीके से ये डेफिनेशन ही है, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ऑन विच बॉडी ट्रेवल्स, ऑन विच बॉडी ट्रेवल्स। ठीक है, ये क्या था हमारा कि जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है वही क्या है इसके लिए, उसकी लेंथ को हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल। इसमें ये जब डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो चेंज इन पोजीशन होता है वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, जबकि वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास डायरेक्शन होता है, यानी एक तरीके से इट हैज नॉट डायरेक्शन, क्या इट डजंट हैव डायरेक्शन, इट हैज नो डायरेक्शन। ठीक है, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि इसके पास डायरेक्शन होता है, इट हैज डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके पास डायरेक्शन होगा, डिस्टेंस ट्रेवल के बीच उनके पास डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस ट्रेवल जो हो सकता है वो जीरो कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए वो जीरो हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं कि फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस ट्रेवल जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या लिख सकते हैं कि इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, चाहे जीरो हो जाए, पॉजिटिव, नेगेटिव। सपोज आप सुबह घर से निकले, शाम को भी पर भी हो जा रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो, तो ये जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ये हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ये जो हमने जो डिफरेंशिएट किया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो इसी भी हाफ पे किया कि एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या फिर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इसी भी हाफ पे हमने क्या डिफाइन किया मोशन को, दो तरीके में, दो पार्ट में, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया कि अगर एक ऑब्जेक्ट क्या हो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, जैसे सपोज अगर हम लोग पहला एग्जांपल देखें, जैसे वॉच है, ठीक है, इसकी जो आवर हैंड है या फिर क्या मिनट हैंड कोई भी अगर देख ले तो ये इक्वल टाइम में, जैसे मान लो सपोज इक्वल अगर देखते हैं कि हर एक 60 मिनट में ये पूरा एक कंप्लीट डिस्टेंस मूव करता है, ये कंप्लीट रोटेशन, ये एक रोटेशन कंप्लीट करता है, या फिर अगर देखें तो हर एक 5 मिनट में ये क्या हो रहा है इक्वल एंगल मूव करता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो मोशन रहा कि मोशन ऑफ मिनट हैंड या आवर हैंड या फिर सेकंड हैंड, तीनों का जो मोशन हुआ वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि अगर पहले 5 मिनट में अगर वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो अगले 5 मिनट में भी वो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ऐसे ये इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अगर कोई पर्सन या कोई जैसे ये ट्रेन या बस जो भी है कि अगर सपोज 10 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हर एक ये क्या होगा कि अगर पहले सेकंड में ये कितना 10 मीटर मूव करेगा तो दूसरे सेकंड में भी, मतलब ये अगले एक सेकंड में भी कितना 10 मीटर, अगले एक सेकंड में भी 10 मीटर, तो
तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या लिख लेते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं कि जो मोशन ऑफ किसका, जो मिनट हैंड, मोशन ऑफ मिनट हैंड, आवर हैंड, ठीक है, या फिर सेकंड हैंड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो लाइट की स्पीड है, लाइट जो रहता है उसकी स्पीड कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो कांस्टेंट रहता है। तो वो हर एक सेकंड में क्या मूव करेगा? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये क्या लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ लाइट, ठीक है, मोशन ऑफ लाइट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है या एक बस, एक ट्रेन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, वो भी क्या होगा? हर एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव कर रहा है कि वो इक्वल टाइम में अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, या फिर इक्वल डिस्टेंस वो अनइक्वल टाइम में ट्रैवल कर रहा है। जैसे दोनों का एग्जांपल अगर देख लें कि मान लो सपोज हम लोग देख लेते हैं कि टाइम इंटरवल हम लोग टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना टाइम इंटरवल की, 1 सेकंड का इंटरवल, 2 सेकंड का इंटरवल, 4 सेकंड का इंटरवल, और ये क्या है उसमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात कर रहे हैं कि उस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हुआ वो बात करें। तो अगर सपोज मान लो पहले 1 सेकंड में वो 10 मीटर चला, ठीक है, दूसरा 1 सेकंड या 2 सेकंड अगर चले, मान लो अगर दूसरा 1 सेकंड जो रहा, ये टाइम इंटरवल की बात है, मतलब 0 से 1 सेकंड, फिर 1 से 2 सेकंड, ये तो ये अगले 1 सेकंड में क्या रहा कि ये सपोज 20 मीटर चल रहा है, ठीक है, अगले 1 सेकंड में मान लो 60 मीटर चल रहा है, तो ये भी क्या होगा जो हमारा जो ये जो इस टाइप का जो मोशन होगा वो कैसा मोशन कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक और चीज हम लोग देख सकते हैं कि इक्वल जो टाइम इंटरवल, यहाँ पर हमने क्या देखा, इक्वल टाइम इंटरवल था, ये डिस्टेंस इक्वल था, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि जो टाइम इंटरवल रहे वो क्या रहे अलग, ये टाइम इंटरवल और ये क्या रहे हमारा डिस्टेंस ट्रेवल। जैसे मान लो यहाँ पे अगर देखे कि ये 10 मीटर चलने में, पहले 10 मीटर चलने में वो 2 सेकंड का टाइम लिया उसने, अगला 10 मीटर चलने में वो 6 सेकंड का टाइम लिया, अगला 10 मीटर चलने में वो 12 सेकंड का टाइम ले लिया। तो अब इस तरीके का जो मोशन होगा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहला 10 मीटर जो चला वो 2 सेकंड, अगला 10 मीटर भी 6 सेकंड में चला, अगला 10 मीटर 12 सेकंड में चला उसने। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये भी कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या है कि इक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल तो कर रहा है लेकिन टाइम इंटरवल क्या है? अनइक्वल है, कि ये 10 मीटर चलने में वो 2 सेकंड ही लगाया, ये अगला 10 सेकंड चलने में 6 सेकंड लगाया, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का मोशन हो कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस हो या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal distance in equal interval of time, ये कौन सा है? पहला वाला, ठीक है, या फिर equal distance in unequal interval of time, then motion of object, yeah, then that motion is called non-uniform motion. वैसे motion को हम लोग क्या बोलेंगे? non-uniform motion, ठीक है। example अगर देखें इसके बारे में, तो example क्या देख सकते हैं कि जैसे मानो suppose आप अगर किसी गाड़ी से जा रहे हो, स्कूटी या बाइक से जा रहे हो, आप सडनली आपने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा रहे हो, तो ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा कि ऑब्वियसली ये इसी तरीके का होगा कि
पहला 10 मीटर वो थोड़ा कम टाइम पे चलेगा, अगला 10 मीटर चलने में वो ज्यादा टाइम लगता है, उसका अगला 10 मीटर चलने में वो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्या होगा कि मोशन ऑफ अ कार और बाइक, मोशन ऑफ अ कार और बाइक, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, अगर आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो उस समय जो उसका जो मोशन होता है उस वो भी क्या होगा, कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल के तौर पे क्या होगा कि जैसे मान लो सपोज अगर एक किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, किसी हाइट से अगर ड्रॉप करते हैं तो उसका भी जो मोशन होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे पहले सेकंड में वो कुछ अलग डिस्टेंस चलता है, दूसरे सेकंड में कुछ अलग और तीसरे सेकंड में कुछ अलग। आगे चल के जब हम लोग फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे या ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड में वो कुछ डिस्टेंस अलग ट्रेवल करता है, सेकंड सेकंड में डिस्टेंस अलग ट्रेवल करता है। तो ये क्या लिखेंगे, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो भी किस तरीके का एग्जांपल होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि अगर सपोज आपने एक बॉल को ड्रॉप किया तो ये एक सेकंड में ये कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगले एक सेकंड में ज्यादा, उससे अगले एक सेकंड में उससे भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि जैसे मान लो एरोप्लेन हो गया, तो जैसे ही अगर सपोज उसका जो एक्सेलरेट कर दिया आपने, या जैसे मान लो बाइक देख लो, ठीक है, बाइक की बात करें, जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक्सेलरेट करते हैं, तो एक्सेलरेट अगर करते हैं तो उस समय क्या होता है कि पहला सेकंड करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उससे ज्यादा करता है वो क्या, अगले सेकंड में, उससे ज्यादा उसके अगले सेकंड में, तो वो भी क्या है, वो भी मोशन कैसा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यार इसका एक और एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेटेड बाइक, ठीक है, या कार, जो भी साइकिल वगैरह जो भी है, अगर आप उसको एक्सेलरेटर दबा रहे हो, एक्सेलरेटर दबाने के बाद जो उसका मोशन होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये था हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है जिसमें DPP है, असाइनमेंट के तौर पर है, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है।